नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल। दोस्तों, आज हम एक वोल्टेज बूस्टर सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस वोल्टेज बूस्टर सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक वोल्टेज बूस्टर सर्किट है। फ्रेंड्स, देखिए ये दो तार है इस सर्किट का, इनपुट का दो तार, और ये दो तार है इस सर्किट का, आउटपुट का दो तार। दोस्तों, इस सर्किट के साथ हम लोग एक 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे और हमें 60 वोल्ट या उससे भी ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस वोल्टेज बूस्टर सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 6 वोल्ट रिले। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें डायोड के इस पॉइंट को सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद डायोड के इस पॉइंट को हम लोग रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों देखिए, डायोड का जो सफेद मार्क का निशान है, ये है नीचे की तरफ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हम लोग रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10UF40 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक कॉइल। और दोस्तों, ये कॉइल आपको आसानी से किसी खराब CFL ट्यूब के सर्किट से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब हमें कॉइल का एक पॉइंट सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है कॉइल के दूसरे पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें डायोड के इस पॉइंट को सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। और दोस्तों देखिए, डायोड का जो सफेद मार्क का निशान है, यह है इस साइड में। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 22UF63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है, उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायोड के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद इसी तार को हमें सोल्डर करना है रिले के मिडिल पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का आउटपुट का दो तार। यह है पॉजिटिव आउटपुट तार और यह है नेगेटिव आउटपुट तार। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है रिले के मिडिल पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, यह दो तार हो गया इस सर्किट का इनपुट का दो तार। यह है नेगेटिव इनपुट तार और यह है पॉजिटिव इनपुट तार। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक वोल्टेज बूस्टर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।